जनपद रुद्रप्रयाग में आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की। आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों और प्रेस प्रतिनिधियों को अवगत कराया है कि जैसे ही आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होगी, उसके 24 घंटे के अंदर निर्वाचन में तैनात संबंधित अधिकारियों द्वारा सभी शासकीय कार्यालय में सभी प्रकार के पोस्टर, पैम्पलेट आदि हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इनपे 362 जो पोलिंग स्टेशन हैं, इनपे एश्योर्ड मिनर फैसिलिटीज हर जगह इंश्योर कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टीज के डायरेक्शन के संबंध में फर्स्ट रेंडमाइजेशन कर लिया गया है और उसके आधार पर ड्यूटी ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं। सेकेंड जो रेंडमाइजेशन है वो लगभग 26 मार्च के आसपास किया जाएगा और जिसके आधार पर उनको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अलॉट की जाएगी और थर्ड रेंडमाइजेशन के बाद उनको हम जब बूथ अलॉट करेंगे तो थर्ड रेंडमाइजेशन के बाद वो किया जाएगा। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक यूथ मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन, साथ ही साथ में एक वुमेन, ऑल वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन और पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन मॉडल बूथ के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें हम बेस्ट से बेस्ट सुविधाओं को हम एक किसी पोलिंग स्टेशन पर हम प्रदर्शित करेंगे और जिससे कि हम उस पॉइंट पर जिस जो भी बूथ है हमारा, वो बूथ बाकी बूथों के लिए भी एक मॉडल बन सके। जैसे हमारे कुछ ऐसे बूथ्स हैं, जैसे वर्तमान में हमारे 10 ऐसे बूथ्स हैं जिन पे हमारी पोलिंग टीम दो दिन पहले मूव करती है, उनको भी अभी हम चेक करा रहे हैं कि अगर वहाँ पे रास्ता रेडी है और वो हमारे AATO के माध्यम से वो सर्टिफाइड है तो उन 10 बूथों में से भी हम कुछ बूथों को P-1 की कैटेगरी में लाने का प्रयास कर रहे हैं और जो हमारे ऐसे बूथ्स हैं जो P-2 पर हैं उनके लिए भी जो पैदल रास्ता है जिस रास्ते से वो जाएंगे वो रूट चार्ट प्रिपेयर कर लिया गया है और सारी सुविधाएं वहां पर भी विकसित की।